हाँ यही एक टाइम है, दोपहर तक पड़ा था ना इसके लिए नहीं जाता एक टाइम के लिए। सो गाइस यहाँ पे भी हम लोग आ गए, तो मैं सौरभ हर्ष और ऋषभ आके वेट कर रहे हैं। अभी चार जन आ गए मेरे बाइक से और सब आ रहे हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं, अभी तक आ नहीं रहे। जल्दी आ, ये जल्दी आओ, जल्दी आ। गाइस आप देख रहे हो वाओ, जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। इतने क्राउड है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, इतनी अंदर आ गए हैं। जय श्री केदारनाथ, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया गाइस, हम लोग बहुत दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, एक बहुत हार्डी स्कूटी पे जो कि न्यू टेक्निक से बनाई गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मामू हम लोग भी नहीं पकड़ते इसकी, खास बात मामू भी नहीं पकड़ते, ना नंबर है उसमें। बहुत ही अच्छी है, चार जन बैठ के आए, हम लोग आपको मिनी केदारनाथ का दर्शन। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पर चंदन बाग, जहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से लिए। और हम चंदन बाग आए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कलाकृति की गई है, जो आपको भी एक बार यहाँ पे सफ़र करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको एक बार यहाँ आना चाहिए, जब तक गणपति है हमारे बप्पा हैं तब तक का आप यहाँ पर आइए और यहाँ के नज़ारे का आनंद लीजिए। और मेरे जो मित्र हैं मिस्टर गोविंद, जिन्होंने जिनका ये आईडी पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मतलब अलग अलग जगहों का जा जाके रिव्यू देते हैं, तो आपको वहाँ पे विजिट करना चाहिए। और बहुत और सम प्लेस है यहाँ पे आके जो ब्लेसिंग फील कर रहा हूँ ना, हेवन है, हेवन फुल ऑफ हेवन है। और यहाँ के जो एंटरटेनमेंट है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ आओ जब भी आपको टाइम मिले, व्हेनेवर यू गेट अ टाइम सो विल प्लीज़ कम देयर। आपको इतना अच्छा फीलिंग होगा ना, ये 10 दिन का ही रहता है, 10 डेज का ही रहता है, बट ऑसम है, ऑसम व्यू है। थैंक यू। अब बचा है सिर्फ चार से पाँच, कमेंट सब्सक्राइब करो, बचा है बस 4 से 5 दिन, आप आके यहाँ विजिट कीजिए और इस जगह का आनंद लीजिए। अच्छी व्यू है, फोटो बैकग्राउंड मस्त। और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस जगह फंस चुके हैं, और वहाँ पे 3 लोग हैं, ये ब्लू वाला, व्हाइट वाला, दो व्हाइट वाले हैं, दो व्हाइट वाले भाई भाई हैं, तीन है और एक दिख ही नहीं रहा है। सो गाइस ये एंट्रेंस है केदारनाथ का, टीका लगवा लेंगे। टीका लग गया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसा व्यू है, वाओ क्या ब्यूटीफुल व्यू है। केदारनाथ जो रहता है वो वैसे ही, एक्चुअली में वैसे ही है, बहुत ही बेटर है। अभी एंट्रेंस है, बात बता, अब तुम बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कलाकृति की गई है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप यहाँ पर आए हो, कुछ ऐसा किसी ने बनाया हो, ऐसा लगता है सही में हम केदारनाथ आ चुके हैं। आप देख सकते हो, विजिट कर सकते हो यहाँ पर, और बेहतरीन तरीके। आपको यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन मस्त, एकदम मस्त, रापची गणपति बप्पा मोरिया। और कुछ बातें आपको कैसे बोले? आपका चैनल मस्त सब्सक्राइब किए थे, आप भी यहाँ पे आइए और विजिट कीजिए। ओके ओके, अब आ रहे हैं जो, तो उनसे मतलब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखो कैसा फील होता है। भाई यहाँ पे आके आपको क्या फील हो रहा है? फर्स्ट टाइम तो अंदर आया, फर्स्ट टाइम फीलिंग आ रही है, जैसे मैं केदारनाथ में, फर्स्ट टाइम में ऐसा फील हो रहा है केदारनाथ में। आपको यहाँ का बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ओके ओके, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ का कुछ बेस्ट पार्ट बता सकते हो क्या जो बहुत अच्छा रहे? विजिट कर सकते हैं, थैंक यू, थैंक्स ऑलाटा, थैंक यू। तो आप यहाँ के कुछ व्यू समझ गए, तो उसी उसके हिसाब से आपको कैसे लगा? तो बापा
ग्रुप में आराम से तो गाइस अभी रात के 12:45 हो रहे हैं, मैं और सौरभ सौरभ रात के साढ़े खाने आए हैं यहाँ पे। रात के 12:30 बजे सेव पूड़ी खाने आए हैं और बस चलते मीडियम खाएगा कि मीडियम 12:45 हो रहा है अभी। मैं सौरभ पानी पूड़ी सेव पूड़ी खाने आए हैं। सो गाइस अभी हमारा क्या है सौरभ, अभी सेव पूरी रेडी हो गया है। सौरभ तू आज बहुत हार्ड लग रहा है, देख टीके में सच्ची में हार्ड लग रहा है। फाइनली गाइस हम लोग रात के एक बजे रिटर्न आ गया, सवा एक हो गया। ये और दो जन उधर क्या, हाँ टाइम मेमोरीज रहेगी आज का डे। कल वीडियो आएगा सुबह 8 बजे। कल वीडियो कितने बजे आएगा, ये वीडियो आउट कितने बजे आउट, हां वीडियो आउट कितने बजे, 8 बजे आउट। हां हम लोग आउट होते ही चालू। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। बहुत उम्मीद है हमको आपसे। कल मैं निकाल दे।